सुनो के सुनो हो हाँ आकाश भाई नका दे 5-7 किलो अपनी ताई का तो दूध लिया होगा पेड़े बनाने थे कल ना जन्माष्टमी आगे नहीं भगवान कृष्ण का भोग लगाना था। अच्छा आकाश भाई। हाँ बाबू। उठ ले भाई। उठ रहे बाबू, मैं तो बैठा यार। पड़ोस में दूध लिया तेरे ताई का है। अच्छा का लिया ये 5-7 किलो दूध तो ले यार। क्या बात, क्या बात हुई? कल न के जन्माष्टमी है। अच्छा अपना कृष्ण जी का जन्म होगा, भोग लगावांगे। हाँ पेड़े पेड़े बनेंगे ठीक हो। उस घर में भी बहुत बीमारी बुमारी चल रही है, अपना समाधान हो जाएगा। बुरा हाल हो जाएगा। हाँ बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है अपना भाई लिया। चलो कोई नहीं, मैं ले आना गया। और के अपना काट रोगे तो ठीक है बाबू। ताई ए ताई सुमित, अरे कित गए सारे? ओ सुमित राजा। आकाश भाई क्या हाल है? ठीक है। क्या बात है आकाश भाई, घने दिन में दिखा। अरे यार मारे तो गर्मा बीमारी पड़ गई, कदे कोई बीमार रहे कदे कोई बीमार रहे। ये कुत्तों के दिन मम्मा उठी आई, मेरी माँ बीमार हुई। जन्माष्टमी का बड़े ताली है, उसका तर दूध चाहिए। आजा भाई मैं बुलाऊं। ये बता बेटा तू क्या कर रहा था त्योहार तोर के बारे में? अरे ताई दूध चाहिए था 5-7 किलो, मेरी माँ कह दी ये बेटे ताई पे वो जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा होगा, वो व्रती तुम जो पेड़े पेड़े बनाती है और कुछ भगवान पर चढ़ाएंगे। हाँ बेटा तुम सारे तो रोगा तो घरे पड़े हो, बुरा हाल उठ रहा घर में। ये जन्माष्टमी का त्योहार है, वेद शास्त्र में तो इसका बेटा कितने प्रमाण आधार भी कोई नहीं है। बुजुर्ग तो अनपढ़ थे, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो समझो वेद शास्त्र के कह रहे हैं। ताई ऐसा है वेद शास्त्र का तो बेरा कोई नहीं, बाकी पड़दादे दादे हमारे करते आ रहे हैं, ये बुराई है हम भी कर रहे। बता बेटा वेद शास्त्र में जो करिया गीता शास्त्र अपनी मान्य शास्त्र है, इसके 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रखा है शास्त्र विरुद्ध साधना करें जो ना उनकी गति हो ना उनकी मुक्ति हो। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई भी फायदा कोई नहीं बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो, देख लो अपने शास्त्र ने खोल कर। अरे देख रखे होंगे ताई उन्होंने शुरुआत चलन दे रहे। अरे उन्होंने कोई नहीं खोल कर देखे, जब तो अक्षर ज्ञान कोई नहीं था और शास्त्र सदा तो चल दे रहे हैं। ये कौन सा व्रत उठे हो गए ना? झूठे झूठे तो नहीं है बेटा, इनका वेद शास्त्र प्रमाण है, कोई करना ना करना बराबर है इनका। तो किसी प्रमाण हमने दिखाए थे कोई? गीता शास्त्र में जगह जगह पे लिख रखे भाई, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कति साफ लिख रखे 23-24 में दिखाई दे। भाई ये सुमित बेटा ठाकुर ने गीता एक बार इसने बेटे ने गीता ये दिखाई दे मैं यारी बेटा श्रीमद भगवत गीता जो सारा समाज मानना इसने कदे तो मानता रहा है। और इसके देखते हैं 17वें अध्याय का 5वां-6वां श्लोक साफ लिख रखे बेटा इसमें शास्त्र विरुद्ध साधना के बारे में बता। इस तबड़ का प्रमाण और कितने लगा तो पढ़े लिखे हो बता। एक बताई थी अंत देख लें दे मना देख ले बेटा कुछ अच्छी तरिया देख पूरी गीता में दे रखे हैं जगह जगह पर शास्त्र विरुद्ध साधना के बारे में। जो लोग तपन तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अच्छा 6वें अध्याय का 16वां श्लोक जिसमें व्रत का भी मना कर रखा है। अरे ताई व्रत का तो चलो मैंने देख लिया और कमाल हो गया, प्रमाण को नहीं आता हूँ खान का तो की हो रहे थे राधा राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण का तो प्रमाण हुआ मंत्रा का। ना बेटा इनका भी कितने बोरी गीता में कितने भी राधा अक्षर नहीं लिख रखा है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत बताया गया है, वही 3 बारी में ओम तत्सत के बारे में पूरा खोल कर बताया गया। ये 3 बारी में पूर्ण संत होगा वो नाम देगा ओम तत्सत के मंत्र है। ओम तत्सत ये इसके अंदर लिख रखा है भाई, जो 3 बारी में नाम देगा वो पूर्ण संत होगा, वो पूर्ण भक्ति बताने वाला होगा। फिर पूर्ण संत कौन है वे? ये 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में लिख रखा है उसके बारे में वो। अच्छा। संत है उसको दंडवत प्रणाम करो पूरे नम्र भाव से, उसको पूछो वो बताओगा पूर्ण संत कौन है। पूर्ण संत की तो ताई गणे है भाई, संत तो दुनिया भर के हैं, लेकिन उनका कितने भी किसी का भी सत्संग सुनकर उनकी किताब पढ़ कर देखिए कितने भी आधार प्रमाण को नहीं पाओगा। और जो संत रामपाल जी महाराज ने किताब लिखी है सारे धर्म ग्रंथों का पूरा निचोड़ करके लिखी है, इसमें पूरा खोल कर बताया गया 15वें अध्याय के 1-4 श्लोक में भी पूरा खोल कर बताया गया है भाई पूर्ण संत के बारे में। जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष होगा ना उसकी पहचान बताओगा वो पूर्ण संत होगा। और जो
धर्म गुरु है ना उन्होंने तो 15वें अध्याय का 104 में की तो हिंदी अनुवाद भी कोई नहीं कर रखा है। तो बेटा इस गीता में 18वें अध्याय के 62 और 64 श्लोक में तो मेरे जमाने जाना शब्द है और सारे संतान आना लिख रखे है। बेटा तुम पढ़े लिखे हो, संस्कृत भी कोई आज मुश्किल को नहीं है। तुम खोल कर देखो बेटा, यू मानस जन्म अनमोल है, मुश्किल से मिला है। और मानस जन्म भी ईसा हो जो ईसा टाइम पर दिया था रो शिक्षित हो, मैं तो गूंगे लंगड़े बहरे बना दे तो कितने भक्ति करो। ये परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है और अक्षर ज्ञान दिया। खोल कर देखो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे शास्त्र में प्रमाण देखने और उसने समझो अपना मोक्ष करवाओ, कल्याण करवाओ, 84 लाख दुनिया तो बचो। और दिखाइए बेटा जरूर है। और फिर नाम क्यों कर लेना पड़ेगा, क्यों कर सत्संग किंग आवे है? ये साधना चैनल पर आवा सांझना 7:30 बजे और भी बहुत सारे चैनल आप आवे है। ये सत्संग सुनोगे ना उसमें पूरा पता चल जाएगा। इसमें इंटरव्यू भी आवेंगे जो कर जो भगतान है लाभ मिले है भक्ति सत भक्ति करके न वो सारा प्रमाण आधार सारा दिखाया जाएगा कति बिल्कुल खोल कर। चलो ठीक है, मैं करूँगा दर्ज कर। ठीक है बेटा जरूर करिए बेटा, बहुत तो जरूरी है यार, मानस जन्म बार बार निकलता है, इतना बढ़िया जन्म। ठीक है ठीक है बेटा। हाँ भाई आकाश है, 6-7-8 का वाकरण दिवस भी आ लिया गुरु जी का, उसमें भी चलिए और वो राने भी ले चलिए। ठीक है ना? हाँ जब आपने मेरा पर्चा रहा कि भाई मतलब सत्संग की चीज हुआ है और वह प्रमाणित किया हुआ है। ठीक है ना? सच्चा